आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर मुख्तार की पत्नी की जमीन को सीज कर दिया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बिजली संकट से जूझ रहे लोगों ने सभी कॉलोनी वासियों के साथ बिजली दफ्तर का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और बिजली अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली अधिकारी ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर कॉलोनी के लोगों से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कितने समय से लाइट नहीं आ रही है? दो महीने से ढाई महीने उठान है और एक घंटे लंच में लाइट मिलती है। जब ये लोग काम कहीं से छोड़ के और लंच वंच करते हैं तो एक घंटे के लिए मिलती है पूरे दिन में। कभी टू फेस करके डाल देते हैं, कोई सिंगल फेस को काट देते हैं कभी। तो कितने लोग हैं जो दफ्तर में पहुंचे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? जो 400-500 आदमी है। अभी एसोसिएशन के बंदे भी आए हुए हैं, मतलब आने वाले हैं, मतलब उधर जो फैक्ट्रियां हैं उनसे। हमारा तो ऑटो से काम भी चले गए। गुप्ता जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली बोर्ड पहुंचे हैं, आप क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें लाइट चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में, सबके घरों में लाइट पहुंचनी चाहिए बस। जी, लाइट की समस्या है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में बिना लाइट का कोई नहीं रहता। कितने समय से लाइट नहीं है जिससे? 10-15 दिन हो गए, पूरी कॉलोनी परेशान है। तो क्या बिजली विभाग कोई देखने नहीं जा रहा? जी, हम समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर ले गए थे अगले बार आंदोलन करके, और ले जा करके पुराने ट्रांसफार्मर कम पावर वाला ले जा करके लगाती है। हर 2 मिनट में MCB गिर जाती है। हम मांग कर रहे हैं बड़ा ट्रांसफार्मर का, ये लोग गोली दे दे करके हटा देते हैं यहाँ से। गोली देते हैं खाली यहाँ बिजली विभाग वाले। तो कितने समय से आप परेशान है इस बात को लेकर? ये इतनी समस्या है, पानी लाइट किसी के पास नहीं है, ट्रांसफार्मर मतलब एकदम गोल है। खबर मैनपुरी से है, जहां जनपद की किशनी विकास खंड के ग्राम पंचायत अड़सारा में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दोबारा शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। बता दें, इस दौरान मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और ADM भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। ग्राम अड़सारा में ग्राम प्रधानी का उपचुनाव हो रहा है जी, और यहाँ पे 2 पोलिंग सेंटर्स हैं और 4 बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग सेंटर्स पे 1 उपनिरीक्षक और बूथ पे 1 हेड कांस्टेबल, 2 आरक्षी, 1 लेडी कांस्टेबल और होमगार्ड की व्यवस्था की गई है चारों बूथ। इसके अलावा फिजिकल चेकिंग के लिए 2-2 आरक्षी और 2 महिला आरक्षियों की हर पोलिंग सेंटर की व्यवस्था की गई। DM साहब, CO साहब कैंप कर रहे हैं। ये वोट परसेंटेज के चलते असमता के दृष्टिगत पूरा एडिशनल रेस्क्यू राउंड लिया गया है जी। SDM और CO मौके पर मौजूद हैं। ऑलमोस्ट बूथ मिला करके एवरेज 55% से ऊपर परसेंटेज इसमें पड़ जा रही है जी। खबर कानपुर से है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां स्कूल के नाम पर नौनिहालों को घास काटने और साफ सफाई करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और खुलेआम नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर बेसिक शिक्षा विभाग कब इस मामले पर कार्रवाई करेगा? नमस्कार, मैं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर। पनकी गंगागन का एक वीडियो ही संज्ञान में आया है जो शास्त्री नगर ब्लॉक का है, जिसमें कुछ बच्चों के द्वारा स्कूल में सफाई करवाई जा रही है। अभी वीडियो की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर अमेठी से है, जहां दिव्यांग छात्रा ने अपने पैरों से अपनी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है, जिसके बाद सांसद स्मृति ईरानी ने छात्रा के पिता से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि बिटिया की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया जाएगा।
जो अपने जज्बे के बल पर हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और इस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है, वो पैर से लिखती है। हमें लगता है कि काफी अच्छे छात्र जो लगातार प्रैक्टिस करते होंगे उनसे भी अच्छी उसकी राइटिंग है, ये इसका जज्बा है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमारी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति जी को हुई और उन्होंने सुबह 7 बजे ही 7:30 बजे के आसपास मुझको फोन करके कहा कि आप जाइए उस परिवार से मिलिए, उनके परिवारीजनों से बात करिए, उस बिटिया का मनोबल बढ़ाइए और उसकी शिक्षा दीक्षा में जो भी आवश्यकता होगी, जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो मैं सब करूंगी, ऐसा कह करके उन्होंने मुझको कहा। जी, मैं दीदी को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिटिया का जो भी पढ़ाई में खर्चा होगा मैं उसको आपको मतलब मदद करूंगी, जहां चाहें वहां पढ़ा सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट नाम बताइए जिस यूनिवर्सिटीज पढ़ाना चाहते हैं, मैं वहां का सारा एडमिशन खर्चा टोटल जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी, आपकी हर तरह से मदद करूंगा, आप किसी चीज़ की चिंता ना करें, वो बेटी आपकी है हमारी। देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पर देश के हर घर और ऑफिस में तिरंगा झंडा लगे, इसको लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में सहायक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, नेताओं से लेकर स्कूली छात्र छात्राओं सहित समाज सेवी संस्थाओं ने इस साइकिल तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। हम सब लोग फरीदाबाद के खेल परिसर में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 3 दिन के लिए हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया जाएगा और कोई छत उस तिरंगे के बिना सुनी नहीं होनी चाहिए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, आदरणीय सीएम साहब की मुहिम है, 75 वर्ष मना रहे हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा, तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी मित्रों का, हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट है, जिससे भी हमने रिक्वेस्ट की, प्यार से उनको आह्वान किया, आज आप देख रहे हैं किस भारी संख्या में लोग साइकिलिंग करने आए हैं। खबर फरुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी संजय ने कमालगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्रामों का दौरा किया और डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि हर हाल में लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए और प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। कल से बताया गया है, कल से मैं टच में हूँ, पानी बढ़ा है और कटान भी हो रही है, तो उसी का निरीक्षण करने आया था और अगर पानी आता है तो हम इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये व्यवस्था हम अभी देखने आया हूँ, अभी जा रहा हूँ वहाँ भी। खबर लखीमपुर से है, जहां शाहजहांपुर से कावड़ लेकर छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ जा रहे कावड़ियों को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां पर आ पहुंची। पुलिस ने जब घायल कावड़िये को गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने का प्रयास किया तो कावड़िये पुलिस के विरोध में उतर आए। वहीं जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने कावड़ियों के भेष में अपने सिपाही उतार दिए ताकि कावड़िया उनकी बात मानकर रास्ता खोल दे, लेकिन वो दोनों सिपाही पकड़े गए। पुलिस की ये चाल भी काम नहीं आई, फिर जाम की सूचना पर हैदराबाद और मोहम्मदी पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ गोला समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने ठप्पेबाजी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्त गणों को उपरोक्त मुकदमे के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
खबर औरैया से है, जहां जिले में 2021 में आई बाढ़ के बाद से इस साल यमुना का जल स्तर अचानक घट गया, जिसकी वजह से यमुना किनारे बसे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पिछली बार यमुना से आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई थी और यही वजह है कि पिछली साल को देखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से ही यमुना के गाँवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए इंतजाम किए थे। बता दें, जिलाधिकारी सहित तहसील अधिकारी गांव और यमुना के जल स्तर का निरीक्षण किया, अगर जल स्तर बढ़ता है तो इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा। तो घट गया है, बड़ा था, काफी बड़ा था, अब कम हो गया है। पिछली साल क्या हालात थे? पिछली साल तो बहुत बुरे हाल थे, मकानों में पानी भरा था, आधा गांव डूब चुका था, 62-63 घर थे डूब गए थे। खबर फरुखाबाद से है, जहां जिले में चेतावनी बिंदु तक गंगा नदी का जल स्तर पहुंच गया है और जिले में गंगा का जल स्तर बढ़ते ही 5 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद नरौरा बांध से गंगा नदी में पानी छोड़ा गया है। वहीं जिलाधिकारी ने अफसरों से निरीक्षण करने और लेखपालों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए। खबर हरदोई से है, जहां दूसरे समुदाय के युवक ने नाम बदलकर इंटरमीडिएट की छात्रा से दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तहरीर दिया है कि उसकी पुत्री को, जो कि बालिग है, एक अन्य समुदाय के युवक ने अपना नाम पहचान छुपाकर दोस्ती किया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। इसमें अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में आदर्श नगर कॉलोनी NH9 सर्विस रोड पर उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब एक पुरानी इमारत का छज्जा नीचे खड़ी वैगनार कार के ऊपर गिर गया। इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस घटना को लेकर आसपास रहने वाले निवासियों के अंदर डर का माहौल बना है और स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये इमारत पिछले कई सालों से खाली पड़ी हुई है। इसकी शिकायत नगर पालिका को कई बार दी गई, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये बिल्डिंग जो गिरी है आज 3 बजे के आसपास गिरी है और हमने तो कम से कम 20 साल हो गए रहते हुए, उससे पहले ही ये बनी हुई थी, हमने तो हमेशा बने हुए ही देखा इसको। इसके बारे में आपने किसी को शिकायत दी हो कि इस तरह से बिल्डिंग खाली पड़ी है और कभी भी गिरने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, शिकायत तो हमने नहीं की थी, मगर ये अब के बरसात हुई है तो ये छज्जा नवासा हो रहा था, थोड़ा नीचे को डाउन हो रहा था, तो अभी शिकायत तो किसी को नहीं की थी। वैसे इस छज्जे की चपेट में अब तक क्या क्या चीज़ें आई हैं? चपेट में एक वैगनार गाड़ी है, वही आई थी, बस उसी के ऊपर गिर गया छज्जा। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं। पिछले थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी बहुमंजिला इमारत की एक छज्जा गिरने से एक गाड़ी जो है वैगनार गाड़ी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वैगनार गाड़ी है, किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। खास तौर पे यहाँ के जो आस पड़ोस के निवासी हैं उनमें अब काफ़ी डर का माहौल बन गया है, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और काफ़ी झज्जर क्वालिटी की ये बिल्डिंग दिख रही है, क्योंकि कई जगह पर दरारें आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, देखिए जिस तरह से ये दरारें आ रही हैं, बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है, क्योंकि मानसून का मौसम भी लगातार है, बरसात का मौसम भी लगातार चालू है और यहाँ पर लोगों के अंदर में एक डर का माहौल पैदा हो गया है जब से ये छज्जा गिरा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के निवासी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से और किस समय ये बिल्डिंग बनी थी और कितना समय इस बिल्डिंग को हो गया यहाँ पर। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा हेमंत चौहान नाम है जी। हेमंत जी, ये बताइए कि ये बिल्डिंग का जो छज्जा गिरा है कब गिरा है और यहाँ पर कौन लोग मौजूद थे जिस समय छज्जा गिरा? ये 3 बजे के आसपास ये छज्जा गिरा है, एकदम अचानक से गिरा था, तो नीचे कोई भी नहीं, खैर सब साइड में थे, लेकिन लोगों ने देखा है, सारों ने, अचानक ही गिरा, वो गाड़ी के ऊपर गिर गया, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। लगभग ये बिल्डिंग कब बनी थी और इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, कैसा क्या बताएंगे? 20 साल तो हमें हो गए जी रहते हुए, उससे पहले ही हमने बनी हुई देखी थी ये, आज तक इसमें कोई रहने आया ही नहीं, अभी तक कभी कोई आकर ताला ही नहीं खुलता है। बिल्डिंग किसकी बताई जा रही है? ये बिल्डिंग बता रहे हैं कोई लक्ष्मी नगर के गर्ग हैं, भाई इतना ही सुनने में आता है कि गर्ग की है,
बाकी हमने किसी को ऐसा देखा है नहीं। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है क्योंकि ये यहाँ के निवासी हैं और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछेंगे कि आखिर ये बिल्डिंग कब से बनी हुई है और इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है नगर पालिका द्वारा। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से ये बिल्डिंग जिस क्वालिटी में बनाई गई थी और ये लक्ष्मी नगर के बताए जा रहे हैं जो यहाँ के ऑनर है इस बिल्डिंग के, आप कैमरामैन से फिर से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि यहाँ पर चलता फिरता रोड है, इस रोड से काफ़ी हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आवागमन होता है, यहाँ से लोग निकलते हैं, पैदल निकलते हैं। अगर ये बिल्डिंग का और कहीं भारी हिस्सा यहाँ से अगर गिर जाता तो काफ़ी बड़ा हादसा होने की संभावना बनती है। आखिर इस पूरे मामले पर अब जिम्मेदारी कौन लेगा, नगर पालिका लेती है या फिर कोई और अधिकारी? गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। गाजियाबाद थाना विजयनगर इलाके के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 7 लोग सफर कर रहे हैं जिसके बाद भी गाजियाबाद पुलिस आंखें बंद करके बैठी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ट्रैफिक रामचंद्र कुशवाहा ने बताया कि बाइक का चालान किया गया है और 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें 7 लड़के एक बाइक पे जा रहे हैं, प्रताप यार का ये वीडियो है, उस पर हम लोगों ने 24,000 का चालान किया है और उसके ओनर का भी पता कराया जा रहा है। अभी ओनर को उस गाड़ी को पकड़ करके सीज भी कराएंगे इसको। सर, जिस तरीके से ये युवक 7 जने बैठे हुए थे एक बाइक पर, सिर्फ 2-सीटर के लिए वैलिड होता है, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, तो सर उसके लिए भी कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब बड़ी घटना है। अभी एक बाइक पर 7 लड़के बैठ रहे हैं और चूंकि इनमें जागरूकता की कमी है, इनके पेरेंट्स की भी कमी है कि इसे अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं जिसमें 7 लड़के बैठ करके स्टंट कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके में बीती 14 जुलाई को एक पतंजलि स्टोर में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट में शामिल एक अन्य साथी को पहले ही एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। छत में मेवाड़ स्कूल के सामने एक पतंजलि स्टोर है जहां पे लूट की घटना कारित की गई है और उस घटना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें से अभी 2 दिन पहले एक बदमाश जो बिनीत और बिन्नी था वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई थी। उसके बाद से उसी दिन अजय और लल्लू फरार हो गया था, लालू, जिसके लिए पुलिस टीम लगातार लगी हुई थी और इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको आज पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में सफलता पाई गई है, जिसमें इसके पास से तमंचा जो उस दिन घटना में प्रयुक्त हुआ था और जो लूटे गए पैसे थे 3,300 रुपये जो इन्होंने बताए थे अपने बयान में, उसके 950 रुपये बरामद हुए। कुशीनगर के थाना हाटम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद के देवरिया मोड़ के पास से स्वाट एवं सर्विलांस की टीम ने 2 अंतरजनपदीय लुटेरों को लूटी गई एक अदद ऑर्टिगा कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार लुटेरों के पास से कट्टा, जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद किया है। जनपद गोरखपुर से एक आर्टिका गाड़ी चालक अजय भारद्वाज से कुछ लोगों द्वारा बुक कराई गई हाटा के लिए कुशीनगर के लिए, और कुशीनगर में हाटा आने पर देवरिया जनपद के सीमावर्ती इलाके में उसे उसको धक्का देकर आर्टिका गाड़ी छीन ली गई थी। खबर अलीगढ़ से है जहां वैश्य समाज के धार्मिक स्थल से चली महालक्ष्मी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद अग्रवाल सेवा सदन में विश्राम कराया गया। वहीं कस्बा के पलवल रोड स्थित भुवनेश गर्ग, सुशील गर्ग ने अपने प्रतिष्ठान पर महालक्ष्मी का पुष्प वर्षा कर आरती उतार कर स्वागत किया। ये यात्रा गुरुवार से चल करके हर कस्बे, हर गांव, हर नगर में होती हुई वापसी में अग्रवा ही पहुँचेगी। अग्रवा शक्तिपीठ से प्रारंभ हुई है और अग्रवा पीठ पर ही आकर समापन होगा। ये समापन कहाँ होना है? अग्रवा पीठ पर ही होना है आकर वापसी।
पिपर कस्बे में 5 दिन पहले हुई किन्नर की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है, जिसके चलते घटना के खुलासे के लिए थाना पुलिस के साथ स्वाट टीम को भी लगाया गया और टीम ने हत्यारों की तलाश में कई जगह पर दबिश दी, जिसके बाद देर रात पुलिस को हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी और खुलासा करने वाले टीम को इनाम भी दिया गया। आपको बता दें साथ ही 3 किन्नरों ने ही हत्या की थी। रात में हत्या हो गई थी, इसमें 3 चेले उसके नामजद थे। आज एक चेले की गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से लूटे गए जेवर और जिस तमंचे से उसकी हत्या की गई थी उस तमंचा और DTH डॉक्टर और DVR के साथ पावर बैंक पावर सप्लाई करता है वह डॉक्टर उसका बैग बरामद किया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।